हाय गाइस, दिस इज मलिंदा फ्रॉम माइंड हिप्नोटिज्म चैनल कनाडा। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि एक एवरेज इंसान को एवरेज कितना पानी पीना चाहिए। ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज नहीं है, ये मैंने डिफरेंट रिसोर्सेज से सीखा, आयुर्वेदा एंड नेचुरल वे ऑफ लिविंग से। एंड मेरे लिए जो ये जो फार्मूला है मेरे लिए मेक सेंस करता है। आप इसको अपनाने से पहले आप भी अपने किसी आयुर्वेदा डॉक्टर से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको मेक सेंस करता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये इसका आपको लगता है कि डजंट मेक सेंस टू यू, फिर आप इसको फॉलो मत कीजिए। तो ऐसा कहा जाता है, मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियो देखे तो कहते हैं कि सुबह उठकर 4 ग्लास पानी पीने चाहिए। फॉर मी, मेरे लिए इस बात को डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल है। इसका रीज़न ये है, इसका दो तीन बातें मैं आपको बताती हूँ। एक तो हर इंसान का जो बॉडी वेट है डिफरेंट है, किसका वेट 50 किलो है तो किसी का वेट 100 kg है। तो एक 50 किलो वेट वाला इंसान भी 4 ग्लास पानी पी रहा है और एक 100 किलोग्राम जिसका kg वेट है वो भी 4 ग्लास पानी पी रहा है। हाउ बोथ कैन डाइजेस्ट? आपको बता दें कि पानी को भी डाइजेस्ट करना पड़ता है, जैसे हम दूसरी चीजों को डाइजेस्ट करते हैं, हमारी बॉडी पानी को भी डाइजेस्ट करती है। पानी भी बॉडी के प्रोसेस के थ्रू जाता है। तो किसी का वेट डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है, उनका काम डिफरेंट है, उनके रहने की जगह डिफरेंट है। जैसे इंडिया और कुछ दूसरे हॉट कंट्रीज में लोग ज़्यादा पानी पीते हैं क्योंकि वेदर हॉट है, और कनाडा में और जो कोल्ड कंट्रीज हैं उसमें हमारी बॉडी अवेपोरेट नहीं करती, हमारा जो स्वेट नहीं करते हम, अवेपोरेशन नहीं होती, तो पानी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी हॉट वेदर में पड़ती है। और सर्दियों में बॉडी को पानी की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी के गर्मियों में पड़ती है, क्योंकि गर्मियों में पानी अवेपोरेट होता है, सर्दियों में पानी बॉडी से बॉडी के अंदर ही रहता है, अवेपोरेशन कम होती है। एंड किसी की प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स, आई डोंट नो, बहुत सारे जो यूट्यूब में मैं वीडियो देखती हूँ इसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम सभी ज़्यादा पानी नहीं पी सकते, कुछ कुछ लोगों को ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है कि उन पे पानी पीने की रिस्ट्रिक्शन होती है। मोस्टली वो 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पी सकते 24 आवर्स में। अगर वो इससे ज़्यादा पानी पीते हैं तो उनको फायदे की जगह अपना फिजिकली हेल्थ वाइज काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट लोगों का काम डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है, वेट डिफरेंट है, जगह डिफरेंट है, उनका हेल्थ प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स है किसी को नहीं है, तो हम एक ही रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं सभी के लिए, मेरी समझ से बाहर है। तो एक फार्मूला जो मैंने आयुर्वेदा लाइन से सीखा तो इट मेक सेंस टू मी। उसके वो फार्मूला ऐसे है कि आपको अपना वेट है वो पाउंड्स में लेना है। अगर आपको अपना वेट पाउंड्स में नहीं पता, तो अगर आपको अपना वेट किलोग्राम्स में पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेट 50 किलोग्राम है तो आप उसको पाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको 2.2 से मल्टीप्लाई करें। सो अगर आपका वेट 50 केजी है तो उसको 2.2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पाउंड में आ जाएगा। तो जब वो वेट पाउंड्स में आता है, फॉर एग्जांपल मेरा अगर वेट 118 पाउंड है पाउंड में, तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2.3 से। सो 118 मल्टीप्लाई बाय 2.3 तो इसकी जो कैलकुलेशन आएगी, इन माय केस इसकी कैलकुलेशन आई थी 80। अगर 118 को मैंने 2.3 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आउंस आ गया। आपको 80 आउंस पानी लेना है। अगर आपको आउंस भी डिफिकल्ट लगता है तो हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक आउंस में 30 मिलीलीटर होते हैं, तो आप इस 80 को
इन माई केस इस 80 को 30 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2400 आ जाएगा. सो मुझे 2400 मिली लीटर पानी लेना है एक दिन में. और अगर इसको लीटर्स में कन्वर्ट करें तो 2.4 लीटर बनता है. इससे कम नहीं लेना है, इतना लेना है. इससे थोड़ा ज्यादा ले सकती हूँ लेकिन इससे बहुत ज्यादा नहीं लेना. आइडियलिस्टिकली जैसे हम BMI निकालते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, ऐसे ही पानी लेने का भी एक फॉर्मूला है. यानी कि हम कितने कितना पानी पी ले और हमारी किडनीज को उस लोड पड़ेगा एंड हमारी किडनीज एक पॉइंट आएगा कि वो उस लोड को टॉलरेट नहीं कर सकेंगी. तो मेरा ख्याल है कि आपको फार्मूला समझ आ गया होगा. जितना आपका वेट है पाउंड्स में, अगर आपको पाउंड्स के नहीं पता, किलोग्राम में पता है, तो उसको पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए उसको 2.2 से मल्टीप्लाई कर दें. जितना भी आ गया वेट आपका पाउंड्स में, उसको 2.3 से मल्टीप्लाई कर दें अगेन 2.3 से. एंड जो भी आ गया उसका वो आउंस में आया, तो उसको आप 30 से मल्टीप्लाई करके उसको आप मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. इतना पानी पीना है आपको. आप इसको वेरीफाई करके फिर स्टार्ट करें, वेरीफाई फ्रॉम में आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी. और एक और बात जिसको मैं मानती हूँ, हमारे एशियन ग्रंथ में कही गई है, मुझे नेचुरल जो लिविंग वे ऑफ लिविंग है, मैं ट्राई करती हूँ उसको फॉलो किया जाए, क्योंकि उसमें असली वे ऑफ लिविंग है. हाँ, वो हमें बचाता है सो मैनी डिजीजेस और दिस काइंड ऑफ जो आजकल चल रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स है. एटलीस्ट हम अपने आप को थोड़ा तो बेनिफिट दे सकते हैं. तो उसमें कहा जाता है कि पानी को हमने स्लोली स्लोली पीना है, ताकि हमारा जो सलाइवा है इनसाइड द माउथ, वो कितने नेचर ने हमें वो एक फ्री में मेडिसिन दी है, तो वो मेडिसिन को हमने वेस्ट नहीं करना, वो हमारी बॉडी के अंदर जाना चाहिए. तो इतना जितना भी आप पानी पीते हैं ट्राई कीजिए, मैं भी ट्राई करती हूँ, उसको हम आराम से पिए जैसे हम चाय पीते हैं, ताकि वो सलावा हमारे अंदर जा सके. अगर आपको इस फॉर्मूला के बारे में दोबारा पूछना है तो प्लीज लीव ए मैसेज इन द कमेंट बॉक्स. आप इस चीज को वेरीफाई करके फिर स्टार्ट करें. अगर आपको अभी मेक सेंस करता है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं इतना पानी लेना अप्रोक्सीमेटली. इट्स नॉट इतना ही लेना है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है. लेकिन अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको किसी डॉक्टर से, आयुर्वेदा और नेचुरल पैथी वाले डॉक्टर से वेरीफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट वीक हम उपवास के बारे में वीडियो करेंगे. फास्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों फास्टिंग करते हैं, उसके पीछे क्या साइंस है, नॉट ब्लाइंडली के ऐसे ब्लाइंडली हमने उपवास किया. तो हम इसके बारे में बात करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.